तो दोस्तों, मैहर घूमने के बाद फाइनली अब हम लोग चित्रकूट पहुंचने वाले हैं, और वहां से दूरी ज़्यादा है तो आते आते यहां शाम हो गया है और अंधेरा भी हो रहा है, बट मंदिर 9 बजे रात तक खुली रहती है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो फाइनली हम लोग अभी श्री कामतानाथ मंदिर चित्रकूट में है, वहां आ गए हैं। और सुबह हम लोग मैहर थे MP में, वहां यहां आते आते काफ़ी रात हो गया, और रात हो गया है, लेकिन हम जितना अच्छा हो सके प्रयास करेंगे आपको दिखाने के लिए कि ये मंदिर कैसा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चित्रकूट मंदिर को पूरा घूमने। दोस्तों शाम का समय है और मंदिर में आरती चल रही है। दोस्तों ये शनिदेव महाराज का मंदिर है, और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूरी में है। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यही रास्ता पूरे 5 किलोमीटर में है, और इस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ भी है जो कि अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों दिन होता तो ये सारी खूबसूरतियाँ आपको दिखाते, बट अंधेरा होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों यही रास्ते के दोनों तरफ सभी देवी देवताओं का एक एक करके मंदिर है। दोस्तों जितना हो सका उतना मैंने प्रयास किया और दिखाने का, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये। और इस मंदिर पे देखिए लिखा भी है श्री राम जानकी महल मंदिर, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरित मानस के दर्शन करें। तो अभी तक का सबसे अच्छा नज़ारा देखिए, ये सामने पेड़ है, इस पेड़ पे काफ़ी बंदर बैठे हुए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। रात है, दिन होता तो मुझे कितना अच्छा फील होता। दोस्तों बंदर बंदर बंदर, ये सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है साक्षी गोपाल का। यहाँ पे सीताराम लिखिए खम्भे पे, इससे सीताराम लिखिए, आपका परिक्रमा में हाजिरी लग जाएगी। खम्भे पे दर्शन करिए और एक घूम के परिक्रमा भी लगाइए। हाँ उंगली से लिखिए। हाँ अद्भुत चीज़, ये हनुमान जी का पत्थर का सबसे बड़ा मूर्ति अभी दिखा मेरे को यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। राम जय राम जय राम जय राम जय राम।
अरे मतलब यहीं पे कब हुआ था? दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे भरत मिलाप हुआ था लक्ष्मण शत्रुघ्न, और इसके अंदर देखिए जब मिलाप हुआ था तो पत्थर भी मोम की तरफ पिघल गया था उनके आंसुओं से, और उनके पैरों का निशान भी है इसमें। और हर साल यहाँ पे भरत मिलाप किया जाता है नाटक के तौर पे ऊपर।